पाकिस्तान और न्यूजीलैंड तीसरे टी20 में कल माउंट गनोई स्टेडियम में इन एक्शन होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स ने फाइनल मुकाबले के लिए खूब प्रैक्टिस की है। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग पर खुसूसी तवज्जो दी। हेड कोच मिकी ऑर्थर ने भी प्लेयर्स को जीत के गुर सिखाए। नौजवान बल्लेबाज बाबर आजम कहते हैं कोलिन मिंडू के ना खेलने से फर्क पड़ेगा। पिछले मैच में जीत से काफी एतमाद मिला है, कल का मैच भी जीतेंगे। फर्क ऐसा कुछ पड़ेगा नहीं, क्योंकि जैसे हमने जैसा कमबैक किया है, बॉलिंग काफ़ी अच्छी हो रही है, बैटिंग काफ़ी अच्छी हो रही है, और जी बिल्कुल जी मनरो के उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और मैच काफ़ी अच्छा होगा जी। काफ़ी कॉन्फिडेंस है, जिस तरह पिछले मैच में काफ़ी टीम को कॉन्फिडेंस मिला है उस चीज़ से, और उसी कॉन्फिडेंस को लेकर हम इंशाल्लाह कल खेलेंगे और इंशाल्लाह सीरीज से विन करेंगे। कप्तान सरफराज अहमद पुरज़्म हैं कि खिलाड़ी तीसरे टी20 में भी शानदार कारकर्दगी दिखाएंगे। कल के मैच की फातह टीम आलमी रैंकिंग में भी पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लेगी।